भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह मंगलवार को शहडोल से सड़क मार्ग से रीवा पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रीवा मंगलवार को सड़क मार्ग से आएंगे। सोमवार को राकेश सिंह शहडोल में थे। प्रदेश अध्यक्ष के नगर आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बारे में प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र परासर ने जानकारी देते हुए बताया, अपने संभागीय प्रवास पर निकले हैं, आज वो शहडोल संभाग में हैं और कल रीवा संभाग में आएंगे। कार्यकर्ता में अपने नए अध्यक्ष को लेकर बेहद उत्साह है। आज शहडोल की सड़कें पटी हुई हैं, जनसैलाब उमड़ा हुआ है, जबरदस्त स्वागत उनका हो रहा है। और राकेश सिंह जी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि आपकी आवाज़ राकेश सिंह की आवाज़ होगी। कार्यकर्ता दम लगा के काम करे, हमारी सरकारों ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आगे भी करेंगे। चुनाव को लेकर ये इसके लिए क्या तैयारी? नहीं, निश्चित तौर पर चुनाव सामने है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी सभी संभागों में जा रहे हैं, केवल रीवा में नहीं जा रहे हैं। रीवा से सागर जाएंगे, सागर से ग्वालियर जाएंगे, ग्वालियर से उज्जैन जाएंगे, उज्जैन से इंदौर जाएंगे, इंदौर से फिर भोपाल आएंगे और भोपाल के बाद अपना जो गृहनगर है उनका जबलपुर, उस संभाग में जाने वाले हैं। यहाँ कितने घंटे रहेंगे और क्या क्या कार्यक्रम? माननीय अध्यक्ष जी कल यहाँ पहुँचेंगे और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, स्वागत रैली जैसी भी हो सकती है, कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे, आप लोगों से भी कुछ चर्चा करेंगे और कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस प्रकार का उनका कार्यक्रम।